मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आजकल कोरोना काल का समय चल रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत दुखी हैं, हतप्रभ हैं, अपने काम में मन नहीं लगा पा रहे हैं और इससे बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं और अगर कोई आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर भी नहीं जाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है और इस बीमारी से बचने के लिए ये उपाय अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग इसका अपवाद भी हैं, जो इस विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कुछ कहने के बाद भी कई बार ध्यान करते हैं, कई बारी बात को अनसुनी कर देते हैं, ज़्यादा टोकने पे बात मान भी लेते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। उसमें एक प्रिकॉशंस वह गर्म पानी पीने की लेते हैं और पूरे दिन गर्म पानी ही पीते हैं। घर से बाहर भी जाना हो तो गर्म पानी की बोतल अपने साथ रखते हैं और जब आवश्यकता होती है उसी में से पानी लेकर पीते हैं। कई लोग यह गर्म पानी इतना अधिक तेज ले लेते हैं कि उसके पीने से उनका गला जल जाता है, और बहुत तेज अगर गर्म पानी नहीं लिया है तब भी इतना तेज वह होता है कि उनके गले की कोशिकाओं को और टिश्यूज को नुकसान पहुंचता है। बहुत अधिक गर्म पानी पीने से व्यक्ति का गला, इसोफेगस और स्टमक, इनमें सूजन आ सकती है, इनमें अल्सर भी हो सकते हैं जो और भी बड़ी बीमारी का कारण बन सकते हैं, और इन्हें ठीक करना अपने आप में एक दुष्कर कार्य होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें गरारे करने हैं तो गरारे करें, और वो है भी सुबह शाम। ये नहीं कि दिन में 8 बार कर रहे हैं गरारे, कोई 10 बार कर रहा है गरारे, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सुबह कर लें, किसी को ज़्यादा ही आवश्यकता लगती है तो 2 बार कर लें। और गरारे का पानी भी हल्का गर्म होना चाहिए, व्यक्ति अपनी उंगली पानी में डालकर देख ले कि वह इतनी गर्म हो कि उसको उंगली के ऊपर वह पानी जलता हुआ महसूस ना हो, और उसके अंदर नमक मिला ले और इस नमक वाले पानी के गरारे करें। हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा कि कुछ लोग नमक भी ज़रूरत से ज़्यादा डाल लेते हैं और वह अधिक नमक से उनके गले में खराश पैदा हो जाती है। तो नमक भी कितना डालना है, एक गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच नमक डालें और इससे ही गरारे करें, और गरारे 1 या 2 बार पूरे दिन में करें। पूरे दिन गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह यह सोचते हैं कि पूरे दिन गर्म पानी पीने से उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा तो यह उनकी सोच गलत है, क्योंकि जब आपने गर्म पानी पिया उस वक्त ही गले के अंदर अगर कोई वायरस होगा तो वो शायद मर जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद तो गले का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर जितना ही हो जाता है, और उस वक्त अगर उसको कोई इन्फेक्शन लगेगा तो वह उसके गले को भी लगेगा, और जो व्यक्ति गर्म पानी नहीं पी रहा है तो उसके गले के अंदर भी वह उतना ही इन्फेक्शन करेगा। इसलिए बार बार गर्म पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे गर्म पानी ही पीना है तो वह बहुत हल्का गुनगुना पानी पिए, या रूम टेम्परेचर जितना होता है या रूम के अंदर रखा हुआ पानी जो है उसको पिए, तो उससे उसके गले को भी नुकसान नहीं होगा, उसके ईसोफेगस को नुकसान नहीं होगा, उसके पेट को नुकसान नहीं होगा और वह ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल कई रोगी इस तरह के भी आ रहे हैं कि उनके गले के अंदर दर्द है, खराश है, और हिस्ट्री पूछने पर पता लगता है कि यह सब कारण अधिक तेज गर्म पानी पीने की वजह से हुआ है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वह या तो नॉर्मल पानी पिए या रूम टेम्परेचर जितना ही गर्म पानी पिए, या रूम में रखा हुआ पानी पी ले या घड़े का पानी पी ले, फ्रिज का ना पिए, बस इतना ही।